संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अर्थ संग्रह का लगातार अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं और अर्थ संग्रह लगभग हमारे कब्जा में है, एक तरह से थोड़ा सा रह गया है, इनके जो हिस्से हैं वो देख लेंगे। तो आज हम जो परिसंख्या विधि थी उसको हमने छोड़ दिया था, बताया था कि थोड़ी सा विस्तृत है, इसको आज अलग से समझने का प्रयास करेंगे। परिसंख्या है क्या चीज, अर्थ संग्रह ये परिसंख्या विधि को जानने का प्रयास करेंगे। परिसंख्या विधि, ठीक है। परिसंख्या से तात्पर्य क्या होता है, यहां पर दो चीजें हैं, परि और संख्या। यहां पर जो अर्थ लगाया गया है, परि का मतलब होता है वर्जन और संख्या का मतलब है बुद्धि दिया गया है, यानी वर्जन बुद्धि जिसमें प्रयोग की जाए वो परिसंख्या विधि के नाम से जानी जाती है। कुछ चीज होती हैं उसको हटा दिया जाए या उसको रोक दिया जाए, इस प्रकार की विधि जो बताती है कि इसको रोकना है इसको नहीं करना है ऐसा, वो परिसंख्या विधि होती है। उभयोश्च युगपत् प्राप्त आवृत्ति पर विधि पर संख्या विधि, इसमें ये बताया गया है। एक दो चीज और बताऊं मैं आपको, इसमें उदाहरण लिखते चलें फिर उसको पूरे अच्छे से व्याख्या करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं समझ में आएगा। इसमें उदाहरण दिया है पंच पंच नखा वक्षा। ये जो पंच पंच नखा वक्षा ये उदाहरण है, ये वाल्मीकि रामायण में भी पूरा दे रखा है, उसको श्लोक के रूप में दे रखा है, वो इस तरह से है पंच पंच नखा वक्षा ब्रह्म क्षत्रेण राघव, ठीक है, शशकः शल्लकी गोधा खड्गी कूर्मो अथ पंचमा। ये इसमें थोड़ी सी व्यवस्था दी है, थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। अभी इसके भाग भी होंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये वीडियो, तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। उभयोश्च युगपत प्राप्त इतर व्यावृत्ति परो विधि पर संख्या विधि, अर्थात उभयो युगपत जो दो हैं वो एक साथ ही पदार्थ प्राप्त हों, जो दो पदार्थ हैं उभयो मतलब दो, दो पदार्थ जब एक साथ ही प्राप्त हों तो एक की निवृत्ति जो बताए वह विधि पर संख्या विधि के नाम से जानी जाती है। एक बार और फिर सुन लें, दो पदार्थ जब एक साथ ही युगपत प्राप्त हो, एक साथ ही प्राप्त हो तो इतर व्यावृत्ति परो दूसरे की या एक की निवृत्ति बताने वाली विधि ही पर संख्या विधि के नाम से जानी जाती है। जैसे
पंच पंच नखा भक्ष्या, ये इसमें उदाहरण दे रखा है। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं, क्या अर्थ निकलते हैं इसको थोड़ा देखते चलें। पहला है, अब निवृत्ति का ही है ये, क्योंकि निवृत्ति की बात कर रहे हैं तो निवृत्ति से संबंधित है। अब निवृत्ति है किस किस की ये थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए। पहला तो है अपंच, अपंच नख निवृत्ति, बिना पंजे वाली, जीवों की। एक तो ये अर्थ निकलता है इससे कि जो बिना पंजे वाले जीव हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है इसके द्वारा, विधि के द्वारा, इस उदाहरण से मालूम होता है। दूसरा इसमें दूर रखा है कि जो पंच पंच नख दे रखे हैं, अर्थात खरगोश, शाही गोह, गैंडा, कछुआ, ये पांच को छोड़कर के बाकी जो भी पांच पंजे वाले बचे, इन पांच पंजे वाले हैं इनको छोड़कर के जो भी पंजे वाले बचे ठीक है, यानी खरगोश, शाही, गोह, गैंडा और कछुआ, ये भक्ष हैं, इनसे हटकर के जो भी पंजे वाले जीव बचते हैं उनकी निवृत्ति बताता है। लेकिन यहां पर कोई भी बात साफ साफ समझ में नहीं आती, इसलिए इसमें दोष भी पाए जाते हैं, वो आगे इसमें बताया जाएगा। तो याद रखना है ये इसी का वस वो है कि जो बाली हैं, इसका उस श्लोक दे रखा है रामायण में, कभी मौका मिले तो उसको अध्ययन करना। बाली जो है वो राम से बात करते हुए कहते हैं कि पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म छत्रण राघव, हे राम, जो पांच पंजे युक्त, अर्थात पांच जो हैं अर्थ, अब इसके अर्थ अलग अलग लगते हैं, इसीलिए समस्या हो जाती है कि इनको छोड़ करके, या ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि पंजे युक्त जितने भी जीव हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रियों को खाने योग्य हैं, अर्थात उनको खा सकते हैं। लेकिन फिर इसमें दूसरी जो लाइन है, शशका शल्लकी गोधा खड़गी कूर्मो अथ पंचमा, अर्थात इन पांचों को, पांच पंजे युक्त जो जीव दे रखे हैं इनको छोड़ करके बाकी पंजे वाले जो जीव बचते हैं उनको नहीं खा सकते। तो अब दो अर्थ निकलते हैं, एक तो जिनके पंजे नहीं है उनको, जीव को तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते। दूसरा अर्थ निकलता है कि पंजे वाले जीव को खा सकते हैं लेकिन इन पांचों को ही, अन्य को नहीं खा सकते, ये इसका अर्थ है। तो निवृत्ति की जा रही है, निवृत्ति क्या की जा रही है, निवृत्ति है अपंच नक्ष। इसमें यह चीज मुख्य है, इस बात रखना, यानी कि जो अपंच नक्ष हैं अर्थात बिना पंजे वाले हैं उनकी निवृत्ति की जा रही है, या पंच नख वाले जो पंच नख निवृत्ति, अर्थात जो पांच नख वाले हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी पंजे वाले बचे उनकी भी निवृत्ति यहां की जा रही है। यह बोला तो बगया है भक्ष, लेकिन भक्ष इसका अर्थ नहीं निकल पा रहा, यह सिर्फ निवृत्ति को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर श्रुति दोष लगा जाता है, एक कल्पना दोष आ जाता है, क्योंकि जो सुना जा रहा है वो उसको नहीं लिया जा रहा है, इसलिए वो दोष हो गया। क्योंकि श्रुति तो ये है कि पंच पंच नख भक्षा, यानी पांच पांच नखों वाले या पांच पंजों वाले जीव खाने योग्य हैं, ये अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लिया जाता है, इसलिए श्रुति दोष हो गया। तीन दोष अभी बताऊंगा। दूसरा दोष है कल्पना दोष। कल्पना दोष क्या है कि हमको फिर इसके विकल्प में एक कल्पना करनी पड़ती है कि इनको छोड़कर के अपंच नक्ष, अपंच
नख भक्षण निवृत्ति, अर्थात जो बिना पंजे वाले हैं उनके भक्षण की निवृत्ति का ये कहने का प्रयास कर रहे हैं इस उदाहरण के द्वारा। एक तो ये हो गया, एक हो गया बाध दोष, प्राप्त बाध दोष। प्राप्त बाध दोष कैसा कि जो जीव होते हैं चाहे वो बिना पंजे वाले हों या पंजे वाले हों, ये रागता प्राप्त हैं, खाने योग्य हैं। रागता का मतलब क्या होता है, स्वभावता, इसको खा सकते हैं। लेकिन उन सबको जो प्राप्त है, रागता जो प्राप्त है, भोजन योग्य है, खाने योग्य हैं, उनको बाध कर इनकी निवृत्ति का व्यवस्था करती है। इसलिए इसमें ये तीसरा दोष है, प्राप्त बाध दोष के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करूंगा थोड़ी सी यहां पर चर्चा थी, यहां पर आपको बस याद रखना है ये निवृत्ति का उदाहरण है। निवृत्ति दो प्रकार से दी है उन्होंने, एक तो बिना पंजे वाले जीवों की अपंच नख भक्षण निवृत्ति दी है, दूसरी दी है पंच पंच नख भक्षण निवृत्ति, अर्थात जो पांच नख वाले जीव हैं इनको छोड़कर के बाद बाकी जितने भी जीव बनेंगे उनसे निवृत्ति की गई है। ठीक है, अब इनमें हम चलते हैं थोड़ा सा दोष की तरफ। यहां पर ये शाही शब्द नहीं है, साही है। ठीक है, अब ये साही और गोध ये दोनों जीव कौन से हैं ये मेरी समझ में नहीं आया है। यदि आपको कमेंट के माध्यम आपको पता हो तो कमेंट के माध्यम से बताने का थोड़ा सा कष्ट करें। शाही गोध क्योंकि अलग अलग इनकी बातें हैं, अगर इनको शब्दकोश में जाएंगे तो शायद कुछ परिभाषाएं इसमें या कुछ समझ में आए कि है क्या चीज। इसको सिंही भी बोला गया है शाही को, तो इनके लिए व्यवस्था है। ठीक है, अब ये मैं इसको मिटाने के बाद दूसरी बात व्यवस्था देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। अब ये परिसंख्या विधि को थोड़ा जाने तो इसमें परिसंख्या को दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, पहली है श्रुति और दूसरी है लाक्षणिक। लाक्षणिक लक्षणा से ही बना है, हम सब जानते हैं अविदा व्यंजना लक्षणा या अविदा लक्षणा व्यंजना, जो भी जो शब्द शक्तियां हैं वही प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो उदाहरण है वो इसका ये सीधे उदाहरण है, क्योंकि उसमें ही चलिए इसमें चर्चा बाद में करेंगे। श्रोति में इनमें जो दे रखे हैं इनकी कोई परिभाषा नहीं दी, ये सीधे सीधे उदाहरण दिए हैं। श्रोति जो निवृत्ति करती है, यानी श्रोति परिसंख्या विधि, इस तरह से लगाइए आप इसका पूरा ना, श्रोति परिसंख्या विधि जो है अत्र एव, इसका उदाहरण दे रखा है ये आबपंति। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहां ही आबाप हो, यहां ही एव जो शब्द प्रयोग किया गया है। अब एव शब्द कहां आबाप हो, आबाप पहले समझिए, आबाप क्या है, आबाप जो है वो सोमगान जो होते हैं उनका प्रक्षेप है, अर्थात सोमगानों जो होता है, सोमगान जो होते हैं उनके अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करना, ये इसका प्रयोग, इसका मतलब है आबाप का। तो सोमगान जो होता है वो होता है पवमान स्तोत्र, ये है पवमान स्तोत्र में ही आवाप होना चाहिए। इससे हटकर के जितने भी स्तोत्र हैं वहां कहीं भी आवाप नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है निवृत्ति करता है। अर्थात आवाप की जो है यह जो उदाहरण है एव, एव के द्वारा पवमान स्तोत्र में ही आवाप होना चाहिए, इससे हटकर के जितने भी स्तोत्र हैं उनसे सबसे निवृत्ति करता, ये इसका तात्पर्य है। समझना कठिन है थोड़ा सा इसको, एक दो बार समझेंगे समझ में आ जाएगा। एव के द्वारा जो कभी पूछ ले कि एव से तात्पर्य क्या है, एव से तात्पर्य है पवमान स्तोत्र। अब पवमान क्या है, पवमान स्तोत्र है जब अग्निष्टोम यज्ञ जो किया जाता है, ज्योतिष्टोम यज्ञ जो किया जाता है उसमें सामगान गाने वाले पवमान स्तोत्र का वो प्रयोग करते हैं, इसका गान करते हैं। तो वहां पर केवल जो आवाप किया जाए या अतिरिक्त शब्दों का जो प्रयोग किया जाए, अतिरिक्त सामों का गानों का जो प्रयोग किया जाए वो पवमान के अंतर्गत ही किया जाए, अर्थात पवमान स्त्रोत्र में किया जाए,
अन्य स्तोत्र जितने भी उनका इसमें प्रयोग इनको छोड़ करके, अन्य जितने भी स्तोत्र उनको छोड़ करके केवल इसमें ही प्रयोग किया, इसका तात्पर्य है। इसमें और भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं, त्रीणी और समझ में आया थोड़ा सा, हावई यस्योद्राणी, गायत्री, बृहत्ती अनुष्टुप। अब इसके बाद में प्रयोग किया गया है इसको, अत्र एव आवपन्ति, फिर इसमें ये प्रयोग किया गया है इसी में, अतः ये उद्वपन्ति, मतलब त्रीणी हावई यस्य उद्राणी, जो पवमान है क्यों, उधर से तात्पर्य क्या है, जो भी उनका तात्पर्य रहा हो, लेकिन इसमें जो उधर की व्यवस्था दी गई है कि पवमान जो है तीन उधर हैं, और तीन उधर कौन से हैं, गायत्री अनुष्टुप और बृहती, ये छंद हैं, छंद को इनको उधर के अंतर्गत मान लिया गया, अर्थात इन्हीं छंदों में इस पवमान का प्रयोग किया जाना चाहिए। पवमान यानी गाया जाए तो केवल तीन छंदों में ही गाया जाए, ये बात समझ में आ रही होगी, और ज्योतिषोम यज्ञ में पवमान में ही विशेष रूप से आवाप किया जाए, ये इसका मतलब। यहां मैं वेदों को नहीं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, याद रखना, क्योंकि इनके अगर वेदों में चले जाएंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, आप वेदों में ना जाएं। कुछ मित्र थे हमारे, मैं उसमें पाणिनि शिक्षा में कुछ समझाने का प्रयास कर रहा था, वो मित्र हमारे संगीत में चले गए, जबकि मेरा संगीत समझाने का उद्देश्य नहीं था, उस श्लोक को संगीत के माध्यम से समझाना था, श्लोक समझ में आ जाना चाहिए, संगीत समझ में आए या ना आए, ऐसी यहां पर आपको इसकी प्रक्रिया पूरी समझ में आए या ना आए आपको याद रखना है। एव शब्द से क्या मतलब होगा, अत्र एव आवपन्ति, एव से तात्पर्य है पवमान स्तोत्र, और पवमान स्तोत्र जो है वो तीन छंदों में गायन है मुख्य रूप से, बाकी छंदों को यहां निवृत्ति कर दिया गया है। ऐसे अवाप जो होगा, अवाप जो होगा वो पवमान स्तोत्र से अलग जितने भी स्तोत्र हैं उनकी निवृत्ति की गई है यहां, ये इसका तात्पर्य है। एव से केवल पवमान स्तोत्र को लिया गया है, बाकी स्तोत्रों को निवृत्ति किया गया है, क्योंकि परिसंख्या विधि जो है वो निवृत्ति का ही उदाहरण देती है, तो एव से यहां ये नहीं लेना है कि पवमान स्तोत्र है, एव से तात्पर्य है कि पवमान स्तोत्र को छोड़ करके बाकी सब स्तोत्रों की निवृत्ति, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें जो छंद बताए गए हैं कि गायत्री बृहती और अनुष्टुप छंदों को छोड़ करके बाकी सभी छंदों की निवृत्ति है, ये उद्देश्य है इसका, लेकिन मैं इसको थोड़ा और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें जो आवाप होगा इन तीनों ही छंदों के द्वारा, और पवमान स्तोत्र में तीन ही छंदों का प्रयोग करेंगे, अन्य का नहीं प्रयोग करेंगे, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, इसमें ही आवाप करें और इसका ही निष्कासन करें, दोनों उद्वासंति में निष्कासित करें, ये इसका तात्पर्य है। तो यहां निवृत्ति के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है, थोड़ी लंबी हो जाती है बातें क्योंकि इनको समझना थोड़ा कठिन पड़ जाता है, वेदों की चीजें हैं और मैंने कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया है, मैं सिर्फ इनको आपको जो ये विधि जो बता रही है, ये इसका विधि का मतलब है निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब है उसको हटाना, क्या नहीं करना, तो वो एव के द्वारा बता रहे हैं, एव के द्वारा ही ये सिद्ध किया गया है कि पवमान स्त्रोत को छोड़ करके बाकी सब स्त्रोतों की निवृत्ति की गई है, पवमान स्त्रोत्रों में गायत्री वृत्ति अनुष्टुप छंदों को छोड़कर के बाकी सब छंदों की निवृत्ति की गई, यही इसका तात्पर्य है। ठीक है, चलिए अधिक लंबा नहीं खींचेंगे, लाक्षणिक पे चलते हैं सीधे। अब तो आशा करूंगा ये समझ में आ गया होगा, यहां जो उद्राणी शब्द है वो यज्ञ के लिए प्रयोग किया है, अर्थात यज्ञ के तीन उदर माने जाते हैं मुख्य रूप से, गायत्री वृत्ति और अनुष्टुप, फिर उसके बाद में पूरी प्रक्रिया चलती है। पवमान क्या है, पवमान, पवमान एक स्तोत्र है जो गायन है, जिसको गाया जाता है, कहां गाया जाता है, ज्योतिषोम यज्ञ जब होता है तब सामगान करने वाले जो लोग होते हैं वही इसका गायन करते हैं। अब किस छंद में करते हैं इसकी प्रक्रिया यहां दी गई, गायत्री वृत्ति और अनुष्टुप, इनसे अतिरिक्त छंदों में किसी में गायन नहीं किया जा सकता।
इसमें देखिए लाक्षणिक में जो दे रखा है पंच पंच नखा वक्ष्या, यानी ये दे रखा है पंच पंच नखा वक्ष्या, इसके दो हिस्सों में बांट सकते हैं इसको। पंच नखा एव वक्ष्या, एक तो इस तरह से लिख सकते हैं और एक इस तरह से पंच एव पंच नखा वक्ष्या। तो यहां एव जो शब्द है एव के द्वारा इसमें लाक्षणिकता दिखाई गई, अर्थात उसकी पूरी व्यवस्था दी गई है परिसंख्या लाक्षणिकता की। एव के द्वारा वहां दिखाया जाता है लेकिन वहां दूसरी व्यवस्था थी, यहां दूसरी व्यवस्था है, इसको ध्यान रखना है। अब इसको और थोड़ा सा जानने के लिए लक्षणिक जो होता है उसमें लाक्षणिक में तीन दोष आ जाते हैं। अब तीन दोष क्यों आ जाते हैं कि वो यहां से निकलेंगे तीनों दोष, तो यहां भी देख लेते हैं तीनों दोषों को। लाक्षणिक है इसमें तीन दोष माने जाते हैं। प्रथम दोष है इसमें श्रुत हानि, दूसरा है अश्रुत कल्पना और तीसरा है प्राप्त बाध। ठीक है, अब श्रुत हानि क्या है? जैसे इसमें एव शब्द के द्वारा ही कल्पना की गई है कि ऐसा भी हो सकता है कि पांच नखों को ही खाया जाए, पंच पंचों वालों को ही भोजन किया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि केवल पांच जो दे रखे हैं उनका ही भक्षण किया जाए या की जाने योग्य है। इस तरह से इसमें दुविधा में हो जाती है। तो अब यहां पर वो चीज निकल के आएंगी कि इसमें दोष क्या है। लाक्षणिक परिसंख्या दोष, ठीक है, ये दोष को याद रखना, ये दोष बहुत आते हैं। दोष क्या है इसमें? पहला तो दोष है श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्राप्त बाद, इससे संबंधित एक श्लोक है उसको थोड़ा सा जान लें, फिर हम इसके सीधे अर्थ में जाएंगे और उम्मीद करूंगा फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें बोला गया है श्रुतार्थस्य परित्यागाद अश्रुतार्थस्य प्रकल्पना। प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या परिसंख्या त्रिदूषण। ठीक है, ये कह रहे हैं कि श्रुतार्थस्य परित्यागाद, यानी ये श्रुत हानि है, ये जो दोष है वो श्रुत अर्थ जो है उसके त्याग के कारण ऐसा होता है। दूसरा कह रहे हैं अश्रुत अश्रुत अर्थ की कल्पनात्, अश्रुत अर्थ है वो सुना नहीं जा रहा है अर्थ, लेकिन उसकी हमको कल्पना करनी पड़ती है। फिर कह रहा है प्राप्तस्य बाधादित्य एवं, और जो प्राप्त है उसको बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उसमें, ये तीसरा दोष हो जाता है। परिसंख्या त्रिदूषण, अर्थात परिसंख्या जो है या लाक्षणिक परिसंख्या मानिए वो तीन दोषों से युक्त है। अब यहां पर थोड़ा जानते चलें, इसमें देखिए वाक्य, ये हमारा पहला वाक्य है, इसको लिख लेते हैं। प्रथम दे रखा है
पंच पंच नखा वक्षा। ठीक है, इसका सीधा जो अर्थ निकलता है श्रुत अर्थ श्रुतार्थ श्रुत अर्थ जो निकलता है वो निकलता है कि पांच पंजों वाले जो जीव हैं वो खाने योग्य हैं। लेकिन ये इसका उद्देश्य नहीं है, परिसंख्या का ये बताना उद्देश्य नहीं है कि क्या खाने योग्य है। मैं पहले बताया था, अब आपने जो समझाने का प्रयास किया अत्र एव आवबन्ति, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें अब आप करें यानी कि पवमान जो था स्तोत्र उसको करें, ऐसा नहीं था। अन्य जो स्तोत्र हैं उनकी निवृत्ति करना था उसका एव के द्वारा। ऐसे यहां पर पंच पंच नखा भक्ष्या, इसका सीधा श्रुतार्थ जो कह रहा है यानी सुनने पर जो अर्थ निकल रहा है वो कह रहा है कि पांच पंजों वाले जो जीव हैं वो भोजन योग्य हैं अर्थात खाने योग्य हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, उसको बाद करके अर्थात श्रुतार्थ को हटा करके निवृत्ति करके बोलेगा ये अपंच अपंच नख भक्षण निवृत्ति, ये इसका अर्थ है। ये हमको सुनाई पड़ता है अर्थात ये एक तरह से लेना पड़ता है जबकि होना चाहिए था ये, तो इसको रोक करके जब ये लेता है अपंच नख यानी कि जिनके इसका अर्थ क्या निकलेगा जिसके पांच नख नहीं है वो क्या हो जाएंगे अर्थात उनकी भक्षण से निवृत्ति हो जाएगी, ये इसका तात्पर्य है। दूसरा इसमें जो आएगा थोड़ा सा गलत हो गया, ये अपंच पंच नक्षण है ना पूरा आएगा अपंच पंच नख भक्षण निवृत्ति। जो पहले बताया इसमें कि पांच पंजों वाले जीवों खाने योग्य हैं, लेकिन इसका अर्थ ये ना लेकर के बोला गया है, इसका अर्थ लिया गया है उसकी निवृत्ति करके कि पांच जीवों को पांच नख जो पांच जीव हैं पांच पंजे वाले जो जीव हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी को नहीं खा सकते अर्थात उनकी निवृत्ति की गई है, ये इसका अर्थ है। तो इसलिए इसमें श्रुत हानि दोष है अर्थात जो सुना जाता है उसको रोक दिया जाता है यार उसकी हानि हो जाती है, जो नहीं सुना जा रहा है उसको वहां पर लिया जाता है। इसलिए इस शब्द प्रयोग किया गया लाक्षणिक यानी लक्षणा के द्वारा, अविद्या लक्षणा व्यंजना ये शब्द शक्तियां होती हैं, लक्षणा से वो चीज ली जाती है जो उसका प्रयोजन के द्वारा हो सकता है या किसी रूढ़ी के द्वारा हो सकता है कैसी भी हो सकता है। अब इसमें जो दूसरा दे रखा है, दूसरा है कि अश्रुतार्थस्य प्रकल्पनात् यानी जो सुना नहीं जा रहा है उसकी कल्पना करनी पड़ती है, यही उदाहरण है इसमें बिल्कुल। अपंच पंच नख भक्षण निवृत्ति। ठीक है, अब ये जो शब्द ये वाक्य आया पूरा ये सुना नहीं जा रहा है, यहां सुना क्या जा रहा है पंच पंच नखा भक्षा ये सुना जा रहा है, लेकिन न सुनने के बावजूद भी यानी श्रुत नहीं है ये, फिर उसकी क्या करें अश्रुत की कल्पना की जा रही है यहां पर। इसलिए यहां पर जो अश्रुत की अश्रुतार्थस्य प्रकल्पनात् अश्रुत की जो कल्पना की गई है उससे अश्रुत कल्पना नामक दोष उत्पन्न हो जाता है। ये दोष है याद रखना आपको, ये भी दोष है और ये भी दोष है और ये भी दोष है। तो यहां पर कौन सा हो गया इस उदाहरण से अश्रुत कल्पना दोष हो गया। तीसरा प्राप्तस्य बाधादित्येव परिसंख्या त्रिदूषणा। प्राप्तस्य का मतलब क्या है, ये जो पंच नख भक्षण है या अपंच है या कोई भी जीव है इनसे हट करके दुनिया में जितने भी जीव हैं जब पंजे वाले हों या ये पांच पंजे वाले हों या पंजे वाले ना हों, दुनिया में जितने भी जीव हैं वो रागता, रागता का मतलब स्वभावता, रागता का मतलब स्वभावता भक्ष्य हैं ऐसा माना जाता है मनुष्यों के द्वारा। लेकिन यहां पर प्राप्तस्य ये प्राप्त थे, इनका भक्षण सभी का प्राप्त था
उसको वाद दिया, उसको रोक देना ही, निवृत्ति कर देना ही ये तीसरा दोष के अंतर्गत आता, अर्थात जो प्राप्त है प्राप्तवाद दोष। अब आशा करूंगा ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार और दो मिनट में मैं पूरा समझाने के प्रयास करूं। उभयोश्च युगपत, पहले समझ लो परिसंख्या जो विधि है वो ये नहीं कहती कि आपको ये करना है, वो ये कहती है कि जो चीज प्राप्त है उसमें से आपको क्या नहीं करना है, याद रखना। वर्जन के लिए व्यवस्था देती है ये, यानी कि उससे निवृत्ति करने की व्यवस्था देती है। तो यहां पर उदाहरण तो सकारात्मक है, ये करना है, लेकिन उसका अर्थ हमको लेना है कि ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब दो चीज प्राप्त हो एक साथ में तो उनकी एक की जो निवृत्ति बताए, ये परिभाषा भी कहती है कि एक की निवृत्ति बताने वाली विधि परसंख्या विधि कहलाती है। पंच पंच नखा भक्ष्या, यानी पांच पंजे वाले जो जीव हैं वो भोजन योग्य है, ये इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लेना यहां पर, क्योंकि परसंख्या विधि है तो हमें अर्थ क्या लेना है, इनके अतिरिक्त जो भी पंजे वाले जीव हैं, एक तो उनका भक्षण नहीं करना, निवृत्ति कर दी है। दूसरा इसका क्या लिया था, बिना पंजों वाले जीवों की भी निवृत्ति हो जाती है, अर्थात उनको भी वहां पर भोज्य नहीं माना गया है। फिर इसके दो हिस्से कर दिए थे, एक था श्रुति श्रोति और एक था लाक्षणिक। श्रोति में बताया था अत्र एव आवपन्ति, यानी कि वहां एव शब्द के द्वारा पावन स्त्रुत्व को गेय माना गया, अर्थात उसी का ही वहां पर ज्योतिष्टोम यज्ञ है, उसमें जो तीन छंद हैं यानी यज्ञ के जो उदर माने गए हैं गायत्री बृहति और अनुष्टुप छंद को उदर माना गया है, उन्हीं के छंदों के माध्यम से पवमान स्तोत्र का गायन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब ये यहां शब्द आया चाहिए, ये उसका उद्देश्य नहीं है बताने का, ये उसका उद्देश्य है कि इसको हट करके ना तो अन्य किसी छंदों का प्रयोग करना है, ना ही पवमान स्तोत्र को छोड़कर किसी अन्य का स्तोत्र का प्रयोग करना, सभी की निवृत्ति उसमें हो जाती है। तो पवमान स्तोत्र को छोड़ करके सभी स्तोत्रों की निवृत्ति के लिए एव शब्द का प्रयोग किया गया, ये उसका अर्थ है, याद रखना है एव शब्द का। दूसरी थी लाक्षणिक, लाक्षणिक में यही उदाहरण था, इसमें भी पंच पंच नखा एव भक्ष्या, ये था पंच एव पंच नखा भक्ष्या, एव शब्द के द्वारा ये प्रयोग की कल्पना की गई है इसमें। तो इसमें तीन दोष माने गए थे, श्रुति हानि दोष, अश्रुत कल्पना दोष और प्राप्तवाद। श्रुत मतलब जो सुना जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, उसको जो हम कल्पना लक्षणा के द्वारा जो अर्थ लिया जाएगा, श्रुतार्थ प्रत्यादि, जो श्रुत का सुनने के द्वारा अर्थ निकलता है उसका छोड़ देना, दूसरा अर्थ ले लेना। जैसे इसमें पंच पंच रखा भक्ष्या है, यानी पांच पंजवानों का भक्षण करना, ये इसका अर्थ है। लेकिन इसको छोड़ करके अर्थ क्या निकाला जाएगा, किसकी निवृत्ति, अपंच पंच नख भक्षण, अर्थात पांच पंजों वाले को छोड़कर बाकी सभी पंजों वालों की जीवों की निवृत्ति है, ये इसका उदाहरण। दूसरा कह रहा है कि अश्रुतार्थ अश्रुतार्थस्य प्रकल्पना, जो अश्रुत है जो सुना नहीं जा रहा है उसकी कल्पना करना, ये दूसरा दोष है। अपंच पंच नख भक्षण निवृत्ति, ये नहीं कहा गया है इसमें किसकी निवृत्ति कर देनी है, लेकिन हमको उसकी कल्पना करनी पड़ती है, इसलिए इसमें अश्रुत कल्पना दोष भी है। फिर तीसरे में कहा गया है कि प्राप्तवाद दोष, दुनिया में जितने भी जीव हैं रागता वो भोज्य हैं ऐसा माना जाता है। रागता जो शब्द है उसका मतलब है स्वभावता, तो उसकी जो निवृत्ति की गई है उसको हटा दिया गया है, कोई भी जीव भोज्य नहीं है मनुष्य के लिए। ब्राह्मण और इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रयोग किया गया है, केवल पांचों को ही कहा गया, बाकी सभी जीवों की निवृत्ति की गई है, इसलिए प्राप्तवाद दोष माना जाता है। यही इसमें परिसंख्या विधि में है और इससे ज्यादा नहीं है, एक दो बार देखें, हो सकता है ये उलझा उलझा सा लगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा चीजें हो जाने पर थोड़ी समझाने में भी क्रमबद्धता टूट जाती है, फिर इसलिए मैंने दोबारा समझाने का प्रयास किया। तो आपको एक से दो बार आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।